हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से न्यू वीडियो लाए हैं दोस्तों, एनालॉजी या सिमिलैरिटी चैप्टर का दोस्तों, यानी नंबर एनालॉजी का दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 6:10:9 क्वेश्चन, ऑप्शन है 10, 12, 15, 18, ठीक है दोस्तों। इसे कैसे दोस्तों इसे सॉल्व करने का आपका ट्रिक क्या है बताता है आपको दोस्तों। देखिए 6 है दोस्तों, तो यहाँ पर करिए 2 × 3 यानी 6, बहुत ही आसान पूर्वक से आ गया, ठीक है दोस्तों। और अगर हम 2 × 5 करते हैं तो हमारा 10 भी आ गया दोस्तों, यानी सेकंड का आपका ऑप्शन। यहाँ 6 है, यहाँ 10 है, तो सेकंड टर्म कह रहा है दोस्तों सॉल्यूशन, तो कैसे होगा दोस्तों। अब हमें पूछ रहा है 9, ठीक है दोस्तों। अब हमें पूछ रहा है क्या, 9 का क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों आपसे। तो 9 के लिए आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3 × 3 करते हैं तो हमारा ये 9 बहुत ही आसान पूर्वक से आ गया, ठीक है दोस्तों। अब क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ 2 है तो हम यहाँ भी सेम नंबर लिखते हैं 3, लेकिन यहाँ क्या है दोस्तों, 2 का फर्क है, यानी 2 आपका जुट रहा है, ठीक है, प्लस 2 हो रहा है, तो यहाँ पर प्लस 2 यानी 5 कर देते हैं दोस्तों। तो यहाँ 3×5 = 15 यानी 4 हो गया दोस्तों। तो आप कह सकते हैं कि 9:15 इज ए राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। तो आप कह सकते हैं कि 15 इज ए राइट आंसर, यानी आपका 15 हो गया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा देखिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताएंगे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए 7:24, ठीक है। ऑप्शन है 30:100, 23:72, 19:58 और ऑल, ठीक है दोस्तों। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए 7:24 है, ठीक है दोस्तों, 7:24। तो अब देखिए 7 × 3 करते हैं तो 7×21 आ जाएगा दोस्तों, और अगर सेम नंबर इसमें ऐड करते हैं तो हमारा आ जाएगा 24, यानी फर्स्ट का आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह ठीक है दोस्तों, उसी तरह अगर क्या करेंगे दोस्तों हमारा, कि अगर 24 है तो 23 है, ठीक है दोस्तों। अगर 20, 30 या 90 नहीं होगा दोस्तों, 19, 30 या 57 नहीं होगा दोस्तों, ये हो गया 23, तो बचा ये दोस्तों, तो इसे देखते हैं। यहाँ 23×3, ठीक है दोस्तों, हम लोग करके देखते हैं, 23 को अगर रखते हैं तो 3×3 = 9 और 3×2 = 6, ठीक है दोस्तों। अब प्लस 3 करते हैं तो 9×3 = 12 यानी 2 और ये 6×7 यानी सेकेंड का आपका सॉल्यूशन हो गया दोस्तों। तो आप कह सकते हैं कि आपका 23 यहाँ पर 72, ठीक है दोस्तों, इज ए राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों देखिए, और ऑप्शन है आपका ये 2 वाला, ठीक है दोस्तों, ठीक है 2 का हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, ठीक है, अब देखिए ये देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है 64:4, उल्टा है दोस्तों, फिर 9 दे दिया है, तो ये कैसे होगा दोस्तों। तो अगर 4×64 होता है तो इसका अगर हम ऐसे कर सकते हैं दोस्तों कि अगर 4 है, 4×4×4, ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये हो गया 4×16 = 64 यानी फर्स्ट का आपका हो गया। एक ये तरीका है दोस्तों, और एक है कि अगर हम क्यूब रूट अगर करते हैं तो भी इसका क्यूब में आता है दोस्तों यानी 4, ठीक है दोस्तों। तो हम इसी तरीकों को अपना दे दोस्तों, फिर हो गया सेकंड टर्म, ठीक है दोस्तों। अगर हमारा 9 को हम करते हैं 9×9×9 तो 9×81, ठीक है दोस्तों, ये फिर 9 यानी सेकेंड हो गया दोस्तों आपका ये। तो आप कह सकते हैं दोस्तों कि 7:9:9 इज ए राइट आंसर, ठीक है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अब आप ये देखिए दोस्तों कि 7:9 इज ए, तो ऑप्शन 2 इज ए राइट आंसर दोस्तों। देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से, आशा करते हैं कि आपको समझ में आएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो दोस्तों हम लोग, धन्यवाद दोस्तों।